नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग. वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 7 ऑफ स्टैंडर्ड 10 केमिस्ट्री. इन लास्ट क्लास एज यू नो वी हैड स्टडीड अबाउट द टर्म एसिडिटी एंड बेसिसिटी. इज इट क्लियर? एंड आई वुड लाइक टू रिवाइज इट, दैट इज एसिडिटी एंड बेसिसिटी. एसिडिटी मीन्स नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH ग्रुप. एसिडिटी मीन्स नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH ग्रुप in any S, or you can say it is present in any base. Or basicity means number of replaceable hydrogen group or hydrogen atom or H plus atom ions is known as basicity. अब आप इस चीज को समझिए कि किस जगह से आप H को रिप्लेस कर सकते हैं. ये चूंकि अभी आपको जरूरत पड़ेगा, pH स्केल हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे तो आप उसमें बहुत जरूरत पड़ेगा. समझिए, एक है एफ ओ एन सी एल बी आर आई. ये आप देख लीजिए, एफ मीन्स फ्लोरीन, फ्लोरीन सी एल क्लोरीन, बी आर ब्रोमीन, आई आयोडीन, ओ ऑक्सीजन, दिस इज ऑक्सीजन, एन फॉर नाइट्रोजन. इज इट क्लियर? दिस एफ ओ एन, दैट द ट्रिक इज फोन, यू नो फोन फोन. दिस इज ट्रिक टू रिमेंबर. एंड दिस इज एज यू नो फिर कल बिहार आएंगे. यह ट्रिक फॉर रिमेम्बरिंग द एलिमेंट. अगर इसमें से किसी एलिमेंट के साथ, अब देखें फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसमें से किसी एलिमेंट के साथ अगर हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, आई बात समझ में? आप देख लो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, इसमें से किसी एक के साथ अगर डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, तब आप उस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं. क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहां आप समझिएगा अच्छे से, सी सी ओ ओ एच 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 एच, दिस इज एसिटिक एसिड. देखिए ना, इसको एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, इट इज ड्राइव फ्रॉम एसिटम, सो इट इज कॉल्ड एसिटिक एसिड. अब आप इसमें से कितना एच को रिप्लेस कर सकते हैं? तो हम लोग बोलते हैं कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट इन एनी एसिड. तो इसमें से कितना हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर सकते हैं? तो रिप्लेस करने के लिए ये देखिए, इसमें से कितना हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है. अब हमने आपको बताया कि अगर इसमें से कोई एक एलिमेंट है और उसके साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, वही हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर सकते. तो देखिए, इसमें से ये एलिमेंट है ऑक्सीजन, यहां पे है, और इससे डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच है, तो यही हाइड्रोजन को हटा सकते हैं. ये हाइड्रोजन नहीं हटेगा क्योंकि इसमें कार्बन है नहीं. क्लियर है? क्यों नहीं हटेगा उसमें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. अब बस जान लीजिए किसको हम हटा सकते, तो ये हाइड्रोजन को हटा सकते. क्लियर है? आई बात समझ में? तो इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा? बेसिसिटी 1. क्लियर है? क्योंकि ये एसिड है, एसिड में बेसिसिटी पड़ते हैं. और आई बात समझ में? अब एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं. दिस इज H, दिस इज फॉर्मिक एसिड. अब देखिए, अगर इसको ऐसे हम लिखते हैं और करके, इसको ऐसे यहां लिख दें, इसी को और करके, तो ये ऐसे लगेगा एच सी डबल ओ एच, और कभी कभी ऐसे लिख देता है एच टू सी ओ टू. क्लियर है? तो ऐसे देखने में लग रहा है कि दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते, ऐसा है नहीं. कितने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते? तो स्ट्रक्चर देखिए, यहां पे बना दिए हम, ये हाइड्रोजन हटेगा, ये रिप्लेस नहीं होगा, तो सिर्फ आप इसको रिप्लेस कर सकते. इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा? बेसिसिटी इज इक्वल टू 1. इज इट क्लियर? आप समझ गए होंगे. कुछ और एग्जांपल से हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं. राइट डाउन फर्स्ट, देन आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट एग्जांपल. ओके, राइट डाउन. रिटन, गुड. अभी हमने आपको दो एग्जांपल बताया, एक और एग्जांपल आप समझ लीजिए और देखिए अच्छे से. एग्जाम्पल है,
देखिए तो पी है ओ, यहां ओ ले लीजिए, यहां ओ, यहां ओ और यहां डबल बॉन्ड, क्योंकि जो पी का वैलेंसी फाइव होता है फास्फोरस का, इससे एच जोड़ दिए, यहां एच जोड़ दिए, यहां एच जोड़ दिए, इसी को ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में H3PO4, दिस इज कंपाउंड क्लोराइन। अब आपको बाहर से देख करके बताना है कि कितने हाइड्रोजन को आप रिप्लेस, अब ये आपको क्वेश्चन दिया, अब इसमें देख के बताना है कितना हाइड्रोजन हटा सकते हैं। तो देखिए यहां देखिए ऑक्सीजन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएगा, तो कितना हट सकता है 3, तो इसका क्या हो जाएगा बेसिसिटी, ठीक है, बेसिसिटी कितना हो जाएगा 3, क्यों, क्योंकि यहां से नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, दैट मीन्स हाइड्रोजन एटम विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, हाउ मेनी हाइड्रोजन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, देर आर 3, this hydrogen and this hydrogen, so these 3 hydrogens can easily be replaced from this compound, so its basicity will be 3, is it clear, see another example, this is example number 3, see example number 4, this is P O O O and O, is it H, this is H, this is H and this is H, this compound may be written as like this H3PO3, is it clear, see, अब इस कंपाउंड को देख करके आप बता सकते हैं कितना हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे, तो बाहर से देखने में लगेगा कि कितना हाइड्रोजन है 3, ऐसा तो है नहीं, तब आपको देखना है कि किससे जुड़ा हुआ है, तो देखिए पहले इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसको कर सकते, कर सकते, इसको कर सकते, तो कितना रिप्लेस किए, ये 2, तो बेसिसिटी कितना हो जाएगा, बेसिसिटी 2, ये स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर रहे हैं हम आपको आगे के क्लासेस में समझाएंगे, अभी फिलहाल इसको समझिए, ठीक है, क्लियर हुआ, चलिए बात खत्म। अब ये हम आपको क्यों बताए, इसकी जरूरत अभी हम लोगों को पीएच वैल्यू कैलकुलेट करने में पड़ेगा, पीएच के लिए हम लोग को नॉर्मलिटी निकालना पड़ेगा, क्लियर है, और नॉर्मलिटी हमने 9th में आपको प्रीवियस क्लास में लास्ट ईयर में हमने आपको बताया था कि नॉर्मलिटी किसको कहते हैं, ओके, तो हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको डायरेक्ट ट्रिक से समझा देंगे कि कैसे नॉर्मलिटी निकालेंगे और पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट पीएच, इज इट क्लियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीएच, व्हाट इज द पीएच, और यू कैन से व्हाट इज पीएच स्केल, है क्या पीएच स्केल, है क्या, सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट पीएच, पीएच इसको हम लोग पीएच वैल्यू, पीएच स्केल, पीएच पेपर भी बोलते हैं, ठीक है, तो आप समझिए पीएच है क्या और कौन इसको बनाए थे, क्लियर है, और क्यों इसकी जरूरत पड़ी, एक ऐसा स्केल, एक ऐसा पेपर जिसके हेल्प से आप, कोई ऐसा पेपर या कोई ऐसा स्केल जिसके हेल्प से आप कंपाउंड का बिहेवियर्स या सब्सटेंस के बिहेवियर को समझाते हैं, बताते हैं, पहचान लेते हैं, क्लियर है, कि ये कैसा है, एसिड है, मतलब एसिडिक है, मीन्स बेसिक है और न्यूट्रल है, आई रिपीट इट, एनी स्केल बाई विच यू कैन मेजर द स्ट्रेंथ और नेचर ऑफ एनी कंपाउंड और सब्सटेंस, वेदर इट इज एसिड, बेस और न्यूट्रल, इज इट क्लियर, दैट स्केल इज डिफाइंड एज पीएच स्केल और पीएच वैल्यू, यू कैन से, इज इट क्लियर, कोई ऐसा पेपर या स्केल जिसके हेल्प से आप किसी कंपाउंड का नेचर समझाते हैं कि ये किस नेचर का है, एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, उसको आप क्या बोलते हैं, पीएच स्केल, इज इट क्लियर, ओके, इसको इसका मीनिंग क्या है, पहले समझिए, पी का जर्मनी मीनिंग, जर्मन मीनिंग होता है प्रोटेंज, पी मतलब प्रोटेंज होता है, पी मीन्स प्रोटेंज, प्रोटेंज, और इसका जर्मनी में मीनिंग होता है, जर्मन मीनिंग पावर, पी मीन्स प्रोटेंज और प्रोटेंज का जर्मन मीनिंग होता है पावर, और एच मीन्स हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन, इज इट क्लियर, दैट मीन्स पीएच मीन्स कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, इज इट क्लियर, पीएच मीन्स कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, आई बात समझ में, क्लियर हुआ, इसको बनाए थे एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था, हम पहले लिख देते हैं, आप देख लीजिए स्पेलिंग, सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट, इज इट क्लियर, सोरेनसन, पीएच कौन बताया था, सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, क्लियर है, इसको नोट कर लीजिएगा, ऐसे ज्यादा इसका कोई यूज है नहीं,
सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने इस चीज को बताया था कि पीएच क्या होता है। क्लियर? अब आई बात समझ। अब ये होता क्या है समझिए, एक स्केल है, पेपर है ऐसे, जिसमें सेंटर पे ऐसा कहें कि एक ऐसा पेपर जिसमें 0 से 14 तक, एक ऐसा स्केल है जिसमें 0 से 14 तक वैल्यू दिया रहता है। कहां से कहां तक? 0 to 14। आई बात समझ में? 0 to 14 वैल्यू दिया रहता है। तो यहां पे ये जो देख रहे हैं सेंटर, यहां 7 होता है और इस साइड ये यहां पे 14 होता है और इस साइड यहां पे 0। क्लियर? यहां 0 लिख दिए, यहां आएगा 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ऐसे ही 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। आई बस समझ में? ये एक स्केल है जिसमें वैल्यू दिया होता है 0 to 14। ठीक है, दिस इज 7। इसका मतलब यहां पे होता है न्यूट्रल। क्लियर है? अब इस साइड से इस साइड जाते हैं, ये होता है बेसिक। कैसा होता है? बेसिक। और इसके इस साइड आते हैं, ये होता है बेसिक। ठीक है, और जब ये इस साइड आते हैं, ये होता है एसिडिक। आई बस समझे? ये इस साइड आएंगे मतलब 7 से 0 की ओर, बराबर है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तब ये क्या होगा? एसिडिक बिहेवियर, एसिड होगा। और इंक्रीजिंग में जाएंगे, मतलब इससे बढ़ते हुए 7 से 8 और 14 की ओर जाएंगे तो ये कैसा होगा? बेसिक। और एग्जैक्ट 7 पे आएंगे ये कैसा होगा? न्यूट्रल। नोट करिए, फिर हम आगे बात करते हैं इस पर। राइट डाउन फास्ट। सी, एक हम लिस्ट लिख रहे हैं, आप लिख दिए हैं, इसको देखिए। अगर पीएच 0 से 3 के बीच में, the pH value of any compound is in between 0 to 3, then it is strong acid. 0 से 3 के बीच में है तो strong acid. अगर pH 3 से 5 के बीच में है तो moderate acid और moderate acidic. ऐसे ही pH 5 to 7 के बीच में है तो weak acid या weakly acidic. Is it clear? और pH अगर 7 exact है तो वो neutral होगा. अगर ये pH exact 7 है तो ये कैसा होगा? Neutral. और पीएच 7 to 10 के बीच में, 7 से 10 के बीच में ये होगा वीकली बेसिक। और पीएच 10 to 12 है तो मॉडरेट बेसिक। और पीएच 12 to 14 है तो हम इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्गली बेसिक। इट क्लियर? और राइट डाउन फिर से आप समझ लीजिए। 0 से 3 के बीच में स्ट्रॉन्ग एसिड, 3 to 5 मॉडरेट एसिड, 5 to 7 वीक एसिड, एग्जैक्टली 7 इट इज न्यूट्रल, 7 to 10 वीकली बेसिक, 10 to 12 मॉडरेट बेसिक एंड 12 to 14 इस रेंज में है तो स्ट्रॉन्ग बेस। आई बात समझ में? चलिए इसको फिर से नोट कर लीजिए और बात को समझिए। हमने आपको क्या समझाया? कोई ऐसा स्केल जिसके हेल्प से आप कंपाउंड के नेचर को एक्सप्लेन करते हैं कि ये कंपाउंड कैसा है, दिया हुआ कंपाउंड कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है और न्यूट्रल है। अब टेस्ट करके हम डायरेक्ट एसिड को या किसी कंपाउंड को टेस्ट नहीं कर सकते। बाय मिस्टेक अगर हम साइनाइड टेस्ट कर लिए तो चले जाएंगे, हमेशा के लिए एक्सपायर कर जाएंगे, मर जाएंगे। तो हम किसी कंपाउंड को टेस्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? तो उसको बताने के लिए कि कैसा है, एक स्केल का यूज करते हैं। क्लियर है? जिसको बोलते हैं पीएच स्केल। वही स्केल हम लोगों को कंपाउंड का एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, मतलब बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे सम क्वेश्चन रिलेटेड टू पीएच और इंडिकेटर के बारे में। इज इट क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।